हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी का छठवा महीना। तो मैं आपको प्रेगनेंसी के छठवें महीने में आप में कौन कौन से बॉडी चेंजेस होते हैं, मतलब शारीरिक बदलाव कैसे कैसे होते हैं, बेबी का विकास कितना होता है, साथ में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपका भी छठवा महीना चल रहा है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का छठवां महीना सेकंड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरी तिमाही का ये लास्ट महीना होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर 4 से 6 महीने का होता है, 21वें हफ्ते से 24 हफ्ते तक का छठवां महीना होता है। इस महीने तक आपका पेट काफ़ी दिखने लगता है, बेबी का विकास जैसे जैसे होता है तो आपका शरीर भी बढ़ने लगता है, आपका पेट बड़ा नज़र आता है और मतलब आप में थोड़ा फैट भी नज़र आने लगता है इस महीने तक, तो काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आते हैं। अब जानते हैं हम छठवें महीने में आपको कौन कौन से लक्षण अपनी बॉडी में नज़र आएंगे। सबसे पहला है सूजन। इस महीने में आपको हाथों, पैरों, चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है, इसे एडिमा कहा जाता है। एड़ियों, पैरों, हाथों और चेहरे पर सूजन आना, ये सब एडिमा की वजह से ही होता है। इस महीने तक अगर आपको सूजन दिखाई देती है आपके हाथ, पैर और फेस पर, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सिम्टम माना जाता है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन है, इसके साथ दर्द भी है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दूसरा लक्षण आपको क्या देखा जा सकता है, आपको अपच की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या होना कॉमन बात है, मतलब कब्ज की समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान। जब जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है तो पेट के निचले हिस्से पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है, खाना पचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़्यादातर आपको फाइबर डाइट लेनी चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर तब भी आपकी कब्ज ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं। तो डॉक्टर आपको इसके लिए कुछ मेडिसिन देगा, तो आप मेडिसिन कुछ ही दिन तक लीजिए, इनको कंटिन्यू मत लीजिए क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन नुकसान कर सकती हैं। तो कुछ दिन के लिए आप ले सकते हैं, जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ख़त्म होती है फिर कंटिन्यू आप अपने रेगुलर बेसिस पे अच्छी मात्रा में पानी पीजिए और फाइबर डाइट लीजिए, तो फिर दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा लक्षण आपको नज़र आएगा कि आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूख फील होने लगेगी। आप खा के फ्री हुए और 1-2 घंटे बाद फिर से आपको भूख फील होने लगी, मतलब भूख लगने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे गर्भ में बच्चे को पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ने लगती है, मतलब जो आप खाते हैं वही बच्चे को भी ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की, तो आपकी भूख ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस महीने में आपका काफ़ी जंक फूड, फ्राई फूड, मतलब बाहर का खाना खाने का मन हो सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ऐसी डाइट ही लेनी है जो हेल्दी हो और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो। चौथा आप लक्षण देख सकती हैं कि आपको खर्राटे भी आने लगेंगे, क्योंकि जब हम छठवें महीने तक आते हैं तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है, तो वेट बढ़ने की वजह से हमें खर्राटे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का एक कॉमन सिम्टम है जो होता ही है किसी किसी लेडीज़ में जब वजन बढ़ता है। तो खर्राटों का एक मेन कारण डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसका डॉक्टर नॉर्मली यूरिन टेस्ट करके या ब्लड टेस्ट करके आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा का पता लगा लेते हैं, तो इससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पांचवा लक्षण आप पे नज़र आएगा, पीठ दर्द की समस्या हो जाएगी। पीठ दर्द आपका बढ़ जाएगा इस महीने में, काफ़ी पीठ दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये प्रेगनेंसी का कॉमन सिम्टम है, इसमें भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करने के लिए कुछ हार्मोन हमारे पेल्विक एरिया मतलब पेट के निचले हिस्से और मसल्स को ढीला करते हैं, और साथ में बेबी का बढ़ता वेट और बढ़ता हुआ गर्भाशय पेट को आगे की ओर लाता है, जिस वजह से पीठ दर्द आपको हो सकता है। इस समय तक आपका वजन काफ़ी बढ़ जाएगा, पेट भी आपका दिखने लगेगा, आपके पेट के ऊपरी हिस्से पे आपका पेट बड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई देगा। छठवें महीने तक किसी किसी को दांतों से खून आने की भी शिकायत हो जाती है, अगर ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस महीने तक बेबी काफ़ी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से गर्भाशय भी बढ़ता है। गर्भाशय के बढ़ने के कारण पेट के निचले हिस्से में खिंचाव फील होने लगता है, जिस वजह से आपको इचिंग मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जितना ज़्यादा आप इचिंग करेंगे तो आपके पेट पर निशान भी
देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे बचना है स्ट्रेच मार्क्स आपके शरीर पर या पेट पर ना पड़े, ठीक है, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगी, तो उस वीडियो का वेट आप जरूर कीजिए। इस महीने में हो सकता है आपको नकली लेवर पेन भी आए, जैसे कि जो संकुचन कॉन्ट्रेक्शन आता है, तो इस महीने आपको देखा जा सकता है। जैसे कि पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक रहता है, फिर उसके बाद अपने आप सही हो जाता है। तो आपको उस टाइम टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ झूठे लेवर पेन होते हैं जो पीरियड के दर्द जैसे आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और फिर अपने आप ही सही हो जाते हैं। इस महीने में शिशु तक तेज़ी से मतलब ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, इस वजह से आपके निचले हिस्से मतलब पेट पर या टांगों पर नसें सी उभरी आपको दिख सकती हैं, साथ में ही बढ़ते ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जब दो लोगों का ब्लड सर्कुलेशन चलता है तो ब्लड जो नॉर्मल जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन और अभी का ब्लड सर्कुलेशन 40% तक बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका इफेक्ट आपके हाथ पैरों पर दिखेगा, हाथ पैरों में थोड़ा सा कड़ापन आ जाएगा। अब जानते हैं 6वें महीने में बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का आकार कितना है, बच्चा कितने वजन का होना चाहिए, जैसे कि पता चलता है कि हमारा बेबी इतना बड़ा हो गया, उसके इतने अंग बन गए हैं, बच्चे ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। तो 6वें महीने तक ना केवल आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, साथ में लंबाई भी बढ़ने लगती है। बच्चे की स्किन के नीचे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नजर आते हैं, जिस वजह से बच्चे की स्किन पिंक हो जाती है। इस महीने पूरे तरीके से फेफड़े विकसित होने में अभी टाइम है। 6वें महीने तक आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसके साथ ही जब भी वो बाहर कोई तेज़ आवाज़ सुनता है तो वो उस पर रिएक्ट भी करता है। इस महीने के एंड तक बच्चे के फिंगर नेल्स बनते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं। अगर आपका अल्ट्रासाउंड इस महीने होता है तो ये पॉसिबल होता है कि अल्ट्रासाउंड में शायद आप अपने बेबी को अंगूठा चूसते हुए भी देख सकती हैं। 6वें महीने के एंड तक आपके बच्चे का वजन 900 ग्राम और लंबाई करीब 12 इंच के आसपास हो सकती। अब जानते हैं आपको क्या डाइट लेनी है 6वें महीने में, जिससे कि बच्चे तक भरपूर पोषक तत्व पहुँचे और बच्चे का वजन भी सही मात्रा में बढ़े और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो आपको क्या करना है, इस महीने से आपको संतरा अच्छी मात्रा में लेना है। संतरे का आप जूस ले सकती हैं, ऐसे ही संतरा खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे आप ले सकती हैं। संतरे में विटामिन सी और फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस महीने ब्रोकली, टमाटर, दूध, खजूर, मुनक्का, इन चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। रात में कोई भी हैवी खाना आप ना खाएं, इस महीने थोड़ा हल्का फुल्का खाना ही खाएं, जिससे कि रात में खाना पचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। खाना नहीं पचता है तो आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम कब्ज की प्रॉब्लम चरम सीमा पर होती है, तो कब्ज की प्रॉब्लम से बचने के लिए फाइबर अच्छी मात्रा में आप लेते रहें। 6वें महीने तक आयरन की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं शरीर में, तो आप आयरन डाइट अच्छे से लेते रहें। आयरन जिन चीज़ों में पाया जाता है उनको अपनी डाइट में अच्छे से शामिल करें, जैसे कि पालक है, एप्पल है, जो जिन चीज़ों में भी आयरन होता है वो आप अच्छी मात्रा में लेते रहें। इस महीने ना तो आपको बाहर का खाना खाना है, जंक फूड, फ्राई फूड कुछ नहीं खाना है, इसके साथ ना तो आपको कच्चे अंडे, कच्चा मांस, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि ये आपके बच्चे के विकास में बाधा पैदा कर सकती, मतलब बच्चे का विकास रुक सकता है। आपको कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो कराने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इस महीने आपका यूरिन टेस्ट हो सकता है। यूरिन टेस्ट से डॉक्टर आपके शरीर में प्रोटीन और शुगर की जांच करते हैं। दूसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे कि बहुत सी महिलाओं में गर्भकालीन डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है, तो इस महीने स्पेशली बढ़ने के चांसेस होते हैं डायबिटीज़ का। डॉक्टर आपका गेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट कर सकता है। तो वो कैसे होगा कि पहले आपको ग्लूकोज का पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद आपका ब्लड लेके टेस्ट किया जाएगा। इस महीने में जो अल्ट्रासाउंड होगा वो डॉक्टर बच्चे की विकास की जांच के लिए भी कर सकता है और बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी 6वें महीने की इन्फॉर्मेशन पूरी। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे, आप जितने सवाल थे इस महीने को लेकर आपके मन में, वो उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।